सामईन हजरात, ये प्रोग्राम शाहजी नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफे महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। अभी भी काफी लोग खड़े हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी वालों से कि यहाँ पे मैट का इंतजाम कर दे ताकि यहाँ लोग बैठ जाए। मजमा बहुत आया है, बाहर से बहुत लोग आया है। ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिन इंतजार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का हुक्म, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। खिलाफ मर्जी हक पे चला तो क्या होगा। अल्लामा हाजी शौकत साहब किबला, बहुत खूबसूरत नबो लहजे के साथ हजरत शाकारे तरन्नुम मुफ्ती आमिर सफर साहब ने बड़ी मकमली आवाज के साथ ये नात नबी गुनगुनाई। रब्बे कदीर से दुआ है इनकी आवाज में और मजीद बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत से एक बार और अम्मा कहते या रसूल अल्लाह, खिलाफ मर्जी हक पे चला तो क्या होगा, खिलाफ मर्जी हक पे चला तो क्या होगा, खता के बदले मिलेगी सजा तो, खिलाफ मर्जी हक पे चला तो क्या होगा, खता के बदले मिलेगी सजा तो क्या होगा। खुदा को भूलने वाले, खुदा को भूलने वाले, ये तुझको मालूम है क्या, अरे बगैर किए सजदा मर गया तो क्या, बगैर किए सजदा मर गया तो क्या होगा, खिलाफ मर्जी हक पे चला तो क्या होगा, खता के बदले मिलेगी सजा तो क्या होगा। खुदा को भूलने वाले ये तुझको मालूम है क्या, बगैर किए सजदा मर गया तो क्या होगा, बगैर किए सजदा मर गया तो क्या होगा। निजामत को ज्यादा लंबी ना करते हुए अबा हैया हजरत, आपने नात नबी काफी देर से सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान खतीब लसानी हजरत अल्लामा अलहाज अफरोज आलम साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ ला, अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूब को मनव्वर और मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत, हजरत का वेलकम कर ले, पूरा मजमा अपने हाथों को नबी का झंडा बना के इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने वासे आजम, सरजमीने भाइयों में बस्ती, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। का जिक्र न पीने की बात करते हैं हम, अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। क्या बात है, सबा न छेड़ अभी सुंबलो गुलाब की बात, अभी हम नबी के पसीने की बात करते हैं। सबा न छेड़ अभी सुंबलो गुलाब की बात, अभी हम नबी के पसीने की बात करते हैं। और न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, कसम अल्लाह की अब तो मदीना याद आता है। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, कसम अल्लाह की अब तो मदीना याद आता है। पर प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। और सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, कहिए सुभान अल्लाह। काफी देर से सुभान अल्लाह, ये सब हम लोगों की खुशनसीबी है। और मैं माजरत चाहता हूँ अपने करम फरमा बिरादर कबीर हजरत कारी जाहिद साहब किबला से, क्योंकि सीए साहब का जो हुक्म हुआ मैं इसलिए खड़ा हुआ, हालांकि आपको मालूम है कि ये मेरा अपना जलसा है, अपना प्रोग्राम है, और हम मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और करना चाहिए, सुन्नत रसूल है। सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त हम सुनने के मूड से आए हैं, वो भी खास तौर से इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि कल बाद नमाज जुहर, कल बाद नमाज जुहर अपनी इसी मस्जिद में, इसी मदरसे के ग्राउंड में
हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान के शहजादे हुजूर अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खान क़िबला तशरीफ। सुभान अल्लाह। इस बात को जहन में रखें सभी लोग कि कल बाद नमाज़े ज़ुहर अपनी इस मस्जिद में इसी मदरसे के ग्राउंड में